बालिका वधु भाग 12। आज की कहानी आखिर में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज सीन ऐड की गई है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीता जमीन पर पड़ी हुई थी, तभी उसके कानों में आवाज आती है। माँ क्या हुआ तुझे? उठो ना, उठो माँ। सीता दब दबी आँखों से आसपास सब धुंधला धुंधला देखती है, मगर उसके शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तभी फिर से आवाज आती है। माँ तू मुझे छोड़कर जाएगी? कभी सोचा है तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? ये दुनिया कित है माँ, तू नहीं होगी ना तो मुझे नोच खाएगी माँ, सुन रही है ना तू? सीता कमजोरी की हालत में सुन रही थी। जमीन पर पड़े पड़े उसकी बंद आंखों से आंसू लुढ़क कर फर्श पर गिर रहे थे। अचानक सीता को लगता है जैसे कि किसी ने उसकी उंगली थामी हो और उसे बार बार पुकार रहा हो। सीता मूंदी आंखों को खोलकर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। सीता के हाथ की उंगलियां एक बच्चे ने पकड़ी थी। तभी उसे दूसरी ओर से आवाज आती है और उसके दूसरे हाथ की उंगली भी कोई पकड़ता है। सीता चेहरा घुमाकर उस ओर देखती है तो वहाँ पर एक छोटी लड़की बैठी थी। सीता अपनी आंखें मसलती है, तभी वह छोटी बच्ची सीता का चेहरा सहलाती है और सीता के आंसू पोंछती है। क्या हुआ माँ, मुझे देखकर चौंक गई तुम? मैं वही तो हूँ जिसको तुम जन्म देने वाली हो। तुम ही तो मुझे इस दुनिया में लाने का जरिया हो माँ, और तुम बनोगी इस दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी माँ। मत रो माँ, सब ठीक हो जाएगा। तभी वह बच्चा भी सीता के आंसू पोंछता है। माँ तुम्हें पता है तुम बहुत बहादुर हो, और बहुत जल्दी हम दोनों में से किसी एक को इस दुनिया में लेकर आओगी। देखना हम बिल्कुल तुम जैसे दिखते होंगे। अगर मैं तुम्हारी कोख से बाहर आया तो मैं तुम्हारा हर कदम पर ध्यान रखूंगा माँ। और अगर मैंने जन्म लिया तो माँ तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी। जानती हूँ बेटी होना बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है। बेटियों का मन रुई से भी कोमल और खरगोश से भी नाजुक होता है। अपने माँ बाप के हर दर्द में साथ होती है बेटियाँ। सीता अपने बच्चों की करुणा भरी बातें सुनकर हिम्मत कर अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है। जानती हूँ मेरे बच्चों, अपनी माँ की हर पीड़ा बिन बोले बच्चे समझ जाते हैं, और बेटियाँ तो अपने घर के साथ दूसरा घर भी संभालती हैं। फिर बेटियाँ जब अच्छी बेटी और अच्छी बन जाती हैं, तो बारी आती है उनकी अच्छी पत्नी बनकर अपने पति के साथ खुद का घर बसाने की। वही सबसे बड़ी परीक्षा होती है एक बेटी की, जिस परीक्षा में तुम्हारी माँ हार गई है। बच्चों मैं मेरा घर नहीं बसा पाई, मैं हार गई। बच्चों तुम्हारी माँ एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। नहीं माँ ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। और दोनों मिलकर सीता को वहाँ से उठाकर बिस्तर पर बिठाते हैं और दोनों बच्चे सीता की गोद में लेट जाते हैं। माँ लोरी सुनाओ ना हमें। और सीता दोनों को सहलाती हुई लोरी सुनाने लगती है। चंदनिया छिप जाना रे, पल भर को लुक जाना रे, निंदिया आँखों में आए, बच्चे मेरे सो जाए। और दोनों बच्चे सो जाते हैं। सीता उनको चैन से सोता देख रोती है। कितनी सुंदर लग रहे हैं मेरे बच्चे। एक माँ के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि उसके बच्चे चैन से उसकी गोद में नींद ले रहे हैं। बच्चों तुम में से चाहे इस दुनिया में लड़की जन्म ली या लड़का, उसे मैं कभी भी कोई कष्ट नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। और सीता के आंसू उसके बच्चों पर जैसे ही गिरते हैं उसकी नींद टूट जाती है। और तभी सीता देखती है कि वो दोनों ओझल हो जाते हैं। उनके ओझल होते ही सीता घबरा उठती है। मेरे बच्चों कहाँ गए तुम? कहाँ गए? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। और विलाप करती हुई सीता अपनी गहरी नींद से उठती है और देखती है कि उसके हाथ में वह पैना कांच का टुकड़ा है जिससे वह अपनी कलाई काटकर जान देने वाली थी। यह देख वह घबरा उठती है और टुकड़े को दूर फेंक देती है। हे भगवान कि मैं क्या अनर्थ करने वाली थी। और सीता अपने पेट सहलाते हुए अपने सारे आंसू पोंछ लेती है। बस बहुत हुआ, सीता का वनवास खत्म और राम का वनवास शुरू। हर बार अन्याय स्त्री ही क्यों सही। इस अन्याय से अगर मैंने आज आवाज नहीं उठाई तो मैं कल मेरी जो बेटी होगी उसके लिए कैसे लड़ूंगी इस समाज से। और सीता टेबल पर रखा सिंदूर उठाकर अलमीरा के अंदर लॉक कर देती है और अपनी मांग में लगा सिंदूर मिटा देती है।
सीता की आंखों में एक अलग ही रोष नजर आ रहा था। न जाने सीता अब आगे क्या करने वाली थी और उधर शर्मन के साथ मिलकर रानी कैसे उसे इन सब से निकालने वाली थी। देखिए आगे की कहानी हमारे साथ यूं ही बने रहकर। जब पूनम अपना पेट फुलाकर तुम्हारी ही पत्नी के सामने आकर खड़ी हो गई थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई? उस पेट में तुम्हारा ही बच्चा है, ये जानकर तुम्हें क्रोध नहीं आया जो सीता के बारे में अनाप शनाप बके जा रहे हो? रानी सीता को बेहद प्यार करती थी, इसलिए एक बड़ी बहन के तौर पर रानी सीता के लिए आवाज उठाती है। मगर जिसके दिमाग में पहले ही इतना जहर भरा जा चुका हो वह किसी को सुनने वाला कहाँ था। मगर इस बार तो यह सब सुन शर्मन शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन अचानक न जाने क्यों शर्मन के दिमाग की बत्ती जलती है। रानी मुझे याद आ गया कि मैंने उस लड़के को कहाँ देखा था। ये जानकर रानी भी उत्सुकता ठीक वैसे ही बढ़ जाती है जैसे अभी आप लोगों की बढ़ रही है। शर्मन रानी के करीब जाकर कुछ खुसफुसाता है जिसे सुनकर रानी बड़ा ही खुश होती है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो तुम तैयार हो पार्टनर? यस पार्टनर, मिशन पापा कौन आज से होता है स्टार्ट। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो रानी, सबसे अच्छी। सच कहूँ तो शर्मन मुझे तुमसे ज्यादा रानी से लगाव है और उस पर लगे लालचन को मिटाने के लिए मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, ये मिशन भी। और दोनों घर लौट आते हैं। शर्मन चुपचाप आकर पूनम के बगल में लेट जाता है और सोती हुई पूनम का चेहरा निहारने लगता है। पूनम के चेहरे पर बाल आ रहे थे। शर्मन पूनम के चेहरे से बाल हटाकर उसका पेट सहलाने लगता है। हेलो बेबी, जानता हूँ यहाँ बाहर सब उथल पुथल हो रही है, मगर तुम्हारे डैडी को बहुत जल्दी सब ठीक करना होगा। और शर्मन बत्तियाँ बुझाकर सो जाता है। मगर शर्मन को उसके कमरे की खिड़की से कोई देख रहा था जो उसी की अपनी पत्नी सीता थी। आसान थोड़ी होता है अपने ही पति को दूसरी औरत से बांटना, अपने बच्चे के प्यार करवाने के लिए तरसना। मगर सीता तो शर्मन को रिश्ता, प्यार और बिस्तर तीनों बांटते देख रही थी। मगर अब सीता के आंसू सूख चुके थे। अगले दिन शर्मन उठकर बाहर आता है तो देखता है सीता तो महारानी की तरह अभी तक आराम कर रही थी। सीता नहीं उठी माँ, माँ तुम अकेले ही सारा काम कर रही हो। हाथ बटाने को तो पूनम भी बटा सकती है, मगर कोई जानबूझकर अगर अंधा ना बन जाए तो मैं भी क्या करूँ। वैसे भी तेरी माँ को भगवान ने मजबूत घुटने दे रखे हैं बेटा, जिनके पाँव टूटे हैं वो तो सिर्फ सोफे पर बैठकर टीवी देखते रहते हैं। रेखा का पूरा पूरा इशारा सामने सोफे पर फैलकर बैठी पूनम की ओर ही था। ये ताना सुनकर पूनम शर्मिंदा होकर खड़ी होकर रेखा का काम में हाथ बटाने लगती है। अच्छा पूनम, मैं शहर जा रहा हूँ और कल ही लौट कर आऊंगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। नहीं यार मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी? तुम तो जानते हो ना इस घर में तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी ठीक से बात नहीं करता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है। लो रानी आ गई, रानी तुम्हें मेरी ओर से कंपनी देगी। रानी मेरी पूनम के साथ ही रहना। ओके शर्मन, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी पूनम के साथ ही रहूंगी, तुम जल्दी से काम निपटा कर आओ। और शर्मन जैसे ही जाने लगता है उसकी नजर सीता के कमरे की ओर पड़ती है तो वह दरवाजे पर खड़ी होकर उन दोनों प्रेम पंछियों का सारा तमाशा देख रही थी। और हाँ पूनम, जब मैं शहर से लौटूंगा तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज होगा। आई लव यू एंड आई लव सरप्राइजेस बेबी, गो एंड कम बैक सून। शर्मन सीता की ओर देखकर कहता है, तुम्हारे लिए भी कुछ खास लेकर वापस आऊंगा सीता। नहीं शर्मन, भगवान के लिए अब बस कुछ भी मत लाना, तुम पहले ही इतना कुछ दे चुके हो कि अब वो मुझसे संभल नहीं रहा। खैर एक बोझ तो मैंने उतार दिया है। और सीता अपनी सोनी मांग की ओर इशारा करके शर्मन को दिखाती है। बस कुछ दिन का बंधन और फिर तुम भी मुक्त और मैं भी आजाद, फिर तुम और तुम्हारी पूनम रहना इस स्वर्ग से घर में, भगवान तुम दोनों का परिवार सलामत रखे। इतनी ठेस लगने पर भी सीता के मुँह से एक बार भी बद्दुआ नहीं निकली थी। अभी भी बस मेरी खुशियों का सोच रही हो तुम सीता, आखिर किस माटी की बनी हो तुम? और तुम कहाँ जाओगी? दुनिया बहुत बड़ी है बाबू, कहीं ना कहीं छिपने को जगह मिल ही जाएगी, आप चिंता मत करो। और इस बच्चे का बाप, उसका क्या होगा, कहाँ है वो, आया नहीं आज? बस यही चाहूंगी, इसका बाप जहाँ भी रहे सुखी रहे, तरक्की करे, चाहे मुझसे मिले ना मिले अपनों से मिलता रहे। शर्मन सीता की सारी बातों से भावुक उठता है। इससे पहले कि वह रो देता वे वहाँ से चला जाता है। मेलो बर्ड ड्रामा, उफ, ये फैमिली ड्रामा भी कितना टॉर्चर करते हैं। शर्मन के जाते ही वह फिर से काम छोड़कर सोफे पर जाकर पांव फैलाकर टीवी देखने लगती है। नौटंकी है ये लड़की तो। रानी भी मौका पाकर सीता के कमरे में जाती है और देखती है सीता बिस्तर पर बैठी हुई थी। रानी पीछे से जाकर सीता को जप्पी देती है, मगर रानी के छूते ही सीता को कल रात की घटना याद आ जाती है और वो रानी को खुद से दूर धकेल देती है। क्या हुआ छोटी,
तुम मुझसे नाराज है क्या? कल की कोई बात बुरी लगी क्या? देख, मैंने उस पागल शर्मन का मुंह बंद करने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसका गुस्सा तो ज्वालामुखी है। एक बार फट गया तो लावा आसपास के सब लोगों को जला ही देता है। बोलो ना सीता, क्या हुआ? चीची, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? जितना मैं मेरी बेटी गुड़िया को करती हूँ, बिल्कुल उतना ही। तू तो मेरी छोटी बहन है पागल। तो मेरे पति से संबंध बनाने से पहले तुमको तुम्हारी इस छोटी का ख्याल नहीं आया था क्या? ये सुनते ही रानी एकदम से हिल जाती है। ऐसी कहानी का तो रानी को अंदाजा ही नहीं था। शर्मन और रानी ने जो सोचा था, यहाँ तो उसके एकदम अलग ही चल रहा था। चुपके हो गई। कल रात में मैंने गली में तुम दोनों को उस हालत में देखा था। सीता, जो तूने देखा था वो सच था, मगर तुझे असल बात का पता ही नहीं है कि आखिर शर्मन वहाँ आया क्यों था। तू गलत समझ रही है मेरी बहन, वो तेरे लिए ही आया था। बस चीजी, मेरी सीता होने का फायदा आप सब लोगों ने इतना उठाया है ना, कि अब एक बार कहानी में नहीं सुन सकती। तो आप जाओ यहाँ से। ऐसे मत करना छोटी, मेरी बात तो सुन। ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। बस बोला ना, जाओ यहाँ से। और आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म रानी जी। तुम बस मेरी पड़ोसन हो या मेरे पति की दूसरी माशुका। रानी ये सब बातें सुनकर हिल चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू की झड़ियां बह जा रही थी। वहीं सीता के सारे आंसू सूख चुके थे। लव सिटी परिवार जानता है कि आप लोगों को कहानियां बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छी कहानियां देखने के शौकीन हैं। मगर 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 कुछ अच्छा मिलने के लिए थोड़ा तो सब्र करना पड़ता है ना। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हम यूं ही आगे और भी धमाकेदार और मसालेदार एक से एक कहानियाँ लाते रहेंगे। ऐसी कहानियाँ जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी, सिवाय हमारे चैनल लव सिटी के। इसलिए देखते रहिए आपके अपने बालिका वधु को आखिर तक। अभी हमारा और आपका सफर बड़ा ही लंबा है दोस्तों। शर्मन शहर पहुंचकर एक घर के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खुलते ही मुस्कुरा उठता है। शर्मन घर पहुंचता है, तभी पूनम उसके लिए पानी लेकर आती है। अरे पूनम, मैं अकेला नहीं आया हूँ, चलो जाओ मेरे दोस्त के लिए चाय बना कर लाओ। शर्मन दरवाजे की घंटी बजाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह सामने खड़े शख्स को देखकर मुस्कुरा उठता है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रानी सीता की ऐसी बातें सुनकर एकदम हिल चुकी थी और बाहर आ गई थी। तभी जब वह अपने घर लौटने वाली थी तो पूनम उसे रोक लेती है। अरे रानी, कहाँ जा रही हो? शर्मन ने तो कहा था आज तुम मुझे पूरे दिन कंपनी देने वाली हो। तभी रानी देखती है कि रेखा बैग टांग कर विजय के साथ बाहर जाने की तैयारी में है। हाँ रानी, इस महारानी के साथ ही रहो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। अगर इसे खरोच भी आ गई ना, तो इसका बेबी हमारी जान खा जाएगा। राम, क्या ही हो गया है मेरे परिवार को, तमाशे का मंच बनकर रह गया है मेरा घर तो। कभी कोई किसी से नाराज होता है तो कभी कोई किसी को धोखा देता है। रेखा ये कहकर चली जाती है। रेखा की बात सुनकर रानी सीता के कमरे की ओर देखती है। सीता वहीं चौखट पर खड़ी थी। रानी उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत की छवि देख सकती थी। छोटी, क्या से क्या समझ गई बहन तू? माना कि शर्मन मेरा प्यार रहा है, मगर मैं तुझे कभी भी उसके लिए नहीं खो सकती। मेरी खुद की कभी भी कोई बहन नहीं रही और तूने मेरे जीवन में आकर वह कमी पूरी की। और रानी चलाक पूनम की ओर देखती है, जो बस मंद मंद मुस्कुरा कर अपनी ऐश से जी रही जिंदगी का मजा ले रही थी। देखो तो इसे, कैसे महारानी की तरह मजे से ऐश कर रही है मैडम। सबकी खुशियां निगल कर डायन कितनी खुश नजर आ रही है। मगर एक बात सुन ले चुड़ैल, अगर तूने सब बंद ना किया ना, तो तेरा खून तो सबसे पहले मैं ही करूंगी, वादा करती हूँ। अरे रानी, ऐसे भी क्या घूर रही हो मुझे? क्या इतनी कातिल निगाहों से मुझे मार डालने का इरादा है क्या? हाँ, क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब है, मैं तो देख रही थी कि मेरे पागल शर्मन की पसंद कितनी अच्छी है। इतनी सुंदर नाक है तुम्हारी और आंखें तो इतनी कशिश भरी है कि जिसको जो देख ले उसे अपना ही बना ले। और होठ तो ऐसे हैं जैसे आज तक इन्होंने कभी कोई झूठ बोला ही ना हो। अरे बस बस रानी, इतनी तारीफ तो मेरी आज तक शर्मन ने भी नहीं की। बस करो, चलो अब कमरे में चलकर ढेर सारी बातें करते हैं। वैसे भी यहाँ पर हम दोनों को कुछ अनचाहे लोग सुन रहे हैं। पूनम का इशारा सीता की ओर भी था। रानी और पूनम की नजदीकियां देख सीता को तकलीफ तो हो रही थी, मगर वह दिखा नहीं रही थी। रानी को शर्मन के साथ बनाए गए प्लान को पूरा करने के लिए पूनम का विश्वास जीतना बहुत जरूरी था, इसलिए वह जानबूझकर सीता के सामने उसी की बुराई कर पूनम को अपने करीब करना चाह रही थी। और दोनों जने उठकर पूनम के कमरे में चली गईं।
सीता उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगती है। कैसी अभागी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ मैं, ना पति पति रहा ना दोस्त मेरी दोस्त रही। ऐसे में औलाद से भी अगर उम्मीद लगाऊंगी ना तो लगता है जैसे वहाँ से भी बस दर्द ही मिलने वाला है, सिर्फ दर्द। तभी सीता को जब सारा जमाना अपना दुश्मन लगने लगता है तो वह एक फैसला लेती है और रोष में उठकर सामने लगी अलमारी खोलती है और उसमें से एक बस्ता बाहर निकालती है। उधर सीता के मायके में अचानक कविता का मन घबरा उठता है। ईची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान हमारी सीता की ओर बढ़ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए एक बार जाकर बच्ची को देख आते हैं, मन को शांति मिल जाएगी। और कविता जैसे ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती है श्याम तुरंत उसे रोक देता है। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो सोच लेना अगर उसके पास गई तो तुम वापस यहाँ मत लौटना। कविता शाम के मुंह से निकली इतनी कड़वी बात सुनकर हैरान थी। सुनिए जी, आप अभी तक उस छोटी सी बात से नाराज क्यों हो? तुम भूल सकती हो पर मैं नहीं भूल सकता कि जब उसके माँ बाप उसका हाथ थाम कर उसे अपने स्वर्ग से घर में लाने की मिन्नतें कर रहे थे तब उसने कैसे एकदम से हमारे प्यार को ठुकरा कर उस गंदगी में रहने की जिद की थी और हमें वहाँ से निकल जाने को कहा था। मेरी अब सीता नाम की कोई भी बेटी नहीं है, जहाँ रह रही है वो बस वहीं रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाएगी वो कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी नहीं। ये सुनकर कविता सदमे से अपने कान बंद कर लेती है। हम माँ बाप के बच्चों का गलत सोच सकते हैं भला, मगर उनकी जिद उनकी बेवकूफियों की सजा माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है और फिर उनको दुखी मिलता है। ऐसा ही सीता के साथ भी होगा। नहीं, ये क्रोध में आप कैसे शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हैं सीता के बापू, अपनी ही बेटी का दुख मांगता है क्या भला कोई? बस मैं अपनी बात कह चुका हूँ, फिर भी तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, बस फिर इस चौखट के अंदर आने के तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिना बेटी के होना तो बिना पत्नी के भी जी लूंगा। और श्याम ये कहकर क्रोध में वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यही समाज का सच है, जहाँ बेटियों पर शादी के बाद होने वाली यातनाओं पर भी समाज तो क्या उसके खुद के परिवार वाले भी नहीं समझ पाते हैं। अगर बेटी अपना घर छोड़कर मायके आ जाए तो भी उसे दुत्कारा जाता है, और यदि वह रिश्तों को जोड़े रखना चाहे और अपने माँ बाप के पास ना आए तो भी उसे दुत्कारा जाता है। सही ही कहा है किसी कहने वाले ने, बेटियों का तो झाड़ झाड़ भी बैरी हो जाता है, और खास करके शादी की बात, जब उसे संभालने होते हैं तीन घर, मायका, ससुराल और एक खुद का बनाया हुआ घर। आप सब भी तो समझ रहे हैं ना मेरी हर पीड़ा, अगर समझ रहे हैं तो अभी मुझे लिखकर बताएं। ईश्वर तुझे लड़ने की शक्ति दे मेरी बच्ची। उधर जहाँ सीता खड़ी होकर अपने दुखों का विलाप कर रही थी, वहीं उसकी माँ कविता भी अपनी बेबसी का विलाप कर रही थी। आखिर सही ही कहा है कुदरत ने, एक माँ के आंसू जब निकलते हैं ना तो बेटी की भी आत्मा बिलख पड़ती है। दो अलग जगह होकर भी माँ अपनी बेटी की पीड़ा पहचान ही गई थी, मगर एक मजबूर माँ ममता भरी माँ से ज्यादा घायल होती है। सीता भी अपने खुद के बनाए हुए रिश्ते में बंध कर मजबूर थी। वह अपना बस्ता खोलती है और उसके अंदर रखा सामान देख कर खुश होती है। अच्छा पूनम, शर्मन तो तुम्हें जी भर के प्यार करता होगा ना, वो तो रोमांटिक भी होगा। बहुत। तो क्या बस शर्मन ही तुम्हारा दीवाना था? I mean, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे तो कितने आशिक भी रहे होंगे, उन सब ने शर्मन ने तुम्हारा दिल जीता, कितनी बड़ी बात होगी ना। अरे रानी बस भी करो, मैं शर्मा रही हूँ अब। बताओ ना पूनम, बॉयफ्रेंड्स तो रहे होंगे ना तुम्हारे? तुम क्या उगलवाना चाहती हो मुझसे? नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में तो बस केवल मेरा बेबी शर्मन ही था और रहेगा, एंड आई लव हिम सो मच, है ना बेबी? डैडी को प्यार करते हैं ना हम दोनों? बड़ी ही मंजी हुई खिलाड़ी है ये तो, एकदम पुराना चावल लगती है, इसे तो मुझे गलाना ही पड़ेगा अब। उधर सीधा बस्ते से कुछ बाहर निकालने ही वाली थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और सीता उत्सुकता के मारे अपना काम वहीं रोककर दरवाजे की ओर बढ़ती है। तब तक रानी आकर दरवाजा खोल देती है और शर्मन खुशी से रानी को गले लगा लेता है। काम हुआ? हो गया। रानी और शर्मन की फुसफुसाहट के अलावा सीता सब कुछ समझ रही थी। तभी अचानक रानी को सीता के होने का एहसास होता है और वह शर्मन से दूर हटती है। रानी चोर भरी निगाहों से सीता की ओर मुड़कर देखती है तो सीता उसको देखकर धिक्कारती है। छी,
पूनम भी अपना भारी पेट लिए हुए जरा सा सुस्त होने का नाटक करते हुए धीमे धीमे शर्मन के पास आती है और सीता को जानबूझकर चढ़ाने के लिए शर्मन के करीब आकर उसका माथा चूमती है। शर्मन पूनम के सिर पर हाथ फेरता है। ठीक हो ना तुम? हाँ, बस थोड़ी थकान है। वो घर में कोई और तो काम करता ही नहीं है, तो बस मैं अकेले ही काम करके थोड़ा थक जाती हूँ। बेचारी। चलाक पूनम का वार सीधे सीता पर था, मगर सीता के लिए अचंभे की बात तो ये थी कि रानी पूनम का सच जानती हुए भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। चिंता मत करो पूनम, अब तुम अधिक देर तक ठीक नहीं रहने वाली हो। और वह रानी की ओर कुछ इशारा करता है। अरे पूनम, चलो शर्मन के लिए कुछ ठंडा गर्म बनाकर लाते हैं। और दोनों जाकर शर्मन के लिए चाय बनाकर जैसे ही लाती हैं, तभी शर्मन पूनम का हाथ पकड़कर बोलता है, जान आज तो मैं अकेले चाय नहीं पीऊंगा, आज मेरा दोस्त भी मेरे साथ चाय पिएगा। दोस्त? कौन दोस्त? वो शहर से मेरे साथ ही आया है, गाड़ी पार्क करके अभी आता ही होगा। और कुछ पल बाद दरवाजे पर आकर एक लड़का खड़ा हो जाता है। पूनम जैसे ही मुड़कर उसका चेहरा देखती है तो उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप कपकपी से हिलने लग जाता है। आओ दोस्त, अंदर आओ। और शर्मन का दोस्त अंदर आके उसके बगल में बैठ जाता है, जो और कोई नहीं रवि ही था, जिसने पूनम को अपने घर में पनाह दी थी। पूनम के हाथ अभी भी कांप रहे थे, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि रवि ऐसे उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तभी शर्मन पूनम का हाथ थामकर उससे चाय का कप लेता है। जाओ बेबी, एक कप और लेकर आ, आज हम दोनों यार एक साथ एक ही चाय में शेयर करेंगे, जैसे हम पुराने दिनों में करते थे। क्यों रवि, याद है ना? अरे शर्मन, वो वक्त भूलूंगा थोड़े ही, आखिर इतनी पुरानी दोस्ती जो है हमारी। रवि शर्मन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद शर्मन। पूनम एकदम सुन्न थी, सीता बेचारी चुपचाप सब देख रही थी, उसे तो पता भी नहीं था कि आखिर कहानी क्या है। और दूसरी ओर रानी को सब देख इतना मजा आ रहा था कि वह शर्मन को पूनम को और अधिक तड़पाने के लिए इशारा करती है। पूनम किचन में जाती है और अपना सिर जोर से पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। अरे यार, ये कहाँ से आ गया? अब रवि शर्मन का ही दोस्त कैसे निकल सकता है? इसे तो सारे सच का भी अंदाजा है, अगर इसने अपना मुंह खोला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा। और पूनम एकदम कॉन्फिडेंट होकर बाहर जाती है और अपना नाटक शुरू करती है। लाओ शर्मन, मैं चाय डालती हूँ। और पूनम चाय का कप दोनों के हाथ में देते हुए रवि के हाथ को छूते हुए मसलती है और उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। शर्मन पूनम की हरकत से अनजान था, आखिर कोई और कितना गिर सकता है, उसका अनुमान तो इस पूनम के केस में लगाया भी नहीं जा सकता था। ओ पूनम, मैं बताता हूँ आखिर रवि कौन है। रवि, ये है पूनम। पूनम तेरी पत्नी है ना? शर्मन ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता, पर पूनम तपाक से हाँ बोल देती है। तभी रवि की नजर दरवाजे की ओट में गुमसुम खड़ी सीता पर जाती है। अरे ये प्यारी सी लड़की कौन है शर्मन? कितनी मासूम, कितनी सीधी नजर आ रही है, और ये इतनी दूर क्यों खड़ी है? शर्मन कुछ बोलता कि तभी पूनम फिर से उसकी बात काट देती है। अरे ये तो बस यहाँ रहती है, शर्मन की रिश्तेदार ही है। ये सब फालतू बातें छोड़ो ना और मुझे बताओ आखिर कौन है ये। सीता अपना अपमान देखकर बहुत दुखी होती है और मुंह फेर लेती है। रुक यार शर्मन, मैं ही बताता हूँ। असल में मैं और शर्मन भी स्कूल में साथ पढ़ते थे और फिर काम में बिजी होते चले गए, लेकिन हमारी दोस्ती आज भी पहले ही जितनी सुंदर है। सुंदर तो है। और बोलते हुए पूनम अपना साड़ी का पल्लू थोड़ा सा इधर उधर करती है, जिसे देख रवि मुस्कुरा देता है। और शर्मन, मैं सोच रही हूँ सालों बाद तुम्हारा दोस्त आया है तो उसे ये घर दिखा दूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा दोस्त मेरा भाई, यानी तुम्हारा देवर। चलिए देवर जी, आपको घर दिखा दूँ। पूनम रवि की ओर आँख मारती है और रवि को लेकर अंदर वाले कमरे में चली जाती है। शर्मन, क्या लगता है कि रवि विश्वास करने लायक तो है ना? हाँ रानी, वैसे भी मछली जाल में फंस चुकी है। पूनम और रवि जैसे ही कमरे में जाते हैं, रवि पूनम का हाथ मरोड़कर उसे दीवार के सहारे दबाता है। इतना बड़ा खेल खेल रही हो तुम पूनम, मैं चाहूँ तो शर्मन को सारा सच बताकर एक झटके में तुम्हारा खेल खत्म कर दूँ, मगर। और तभी पूनम मुड़कर रवि से चिपक जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। मगर क्या, तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? इसका मतलब तुम भी कुछ चाहते हो, है ना? और वह रवि के गाल को चूमती है। मगर मुझे मुंह बंद करने का क्या मिलेगा? जो सौदा तुम चाहो रवि। और रवि पूनम की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। ठीक है, तो कल शाम हम लोग एक होटल में लंच के लिए जा रहे हैं। लंच के बाद उसी होटल के कमरा नंबर 18 में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ मैं आ जाऊंगी, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। और फिर पूनम से रवि के गालों को चूमते हुए मुस्कुराती है और दोनों बाहर चले जाते हैं।
आप ही बताइए, एक गर्भवती महिला इससे भी नीचे गिर सकती है क्या? आपको क्या लगता है? और रवि, जिसे शर्मन अपना दोस्त मान रहा है, आखिर वह भी शर्मन को धोखा देने को तैयार हो चुका था? ऐसे में शर्मन, जो एक बार फिर से सीता के साथ अपने संबंधों को ठीक करने में लगा है, कैसे निकालेगा खुद को और सीता को इस जाल से? जानने के लिए देखते रहिए बालिका वधु की आगे की कहानी। हेलो दोस्तों, हमें भूले तो नहीं हो ना? अरे शिवानी, भूलेंगे कैसे, आखिर इतना प्यार जो मिला था हमें हमारे लोगों से। दोस्तों, जितना प्यार आपने हमारी कहानी विवाह को दिया था, उससे भी अधिक प्यार हमें हमारे इस कहानी बालिका वधु को भी चाहिए। लेकिन 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 ओहो, तुमने तो दिल ही बिठा दिया मेरा। इतना भी सस्पेंस मत रखो मयंक। मामा मामा, मैं बताऊं क्या हमारे लोगों को? देखो तो कितनी बोली निकल गई हमारे बच्चे की। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बल्कि तू बताएगा तो वो ज्यादा सही है। दोस्तों, हम लव सिटी के सभी किरदार अब आपको नजर आने वाले हैं एक दूसरे चैनल पर, जिसमें इन कहानियों के अलावा भी आपको छोटी मिनी कहानियाँ देखने को मिलेंगी, बिल्कुल मेरी जितनी। हाँ, तो अगर आप हम सबको और अधिक देखना चाहते हैं, तो अभी जुड़िएगा हमारे एक और चैनल NM फैमिली ऑफिशियल से। हाँ, और उसका लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं और आप सब लुत्फ उठाइए हमारी इस कहानी बालिका वधू का। और हाँ, सीता का आप सबके लिए एक मैसेज भी है दोस्तों। दोस्तों, मेरी संघर्ष भरी कहानी में जो हिम्मत मैं जुटा रही हूँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों का ही हाथ है। तो इसलिए यूं ही मेरा साथ देते रहिए और हम मिलकर जल्दी ही सब ठीक कर लेंगे। शाम के डिनर के लिए सब तैयार होते हैं, जो पास के टाउन के होटल में रवि के द्वारा फिक्स किया गया था, मगर सीता जाने से मना कर देती है। ये देख रानी आकर सीता को मनाने की कोशिश करती है। देख छुटकी, तू नहीं चलेगी तो मैं भी जाकर क्या करूंगी? चल ना यार, कब तक मुंह को गुब्बारे की तरह फुलाई रहेगी? चल चल, अब जल्दी से रानी दीदी की रानी बिटिया बनकर तैयार हो जा। और जब रानी सीता के ऊपर हक जताने लगती है, तभी सीता उसका हाथ झटक देती है। मैं कौन हूँ रानी? मैं तो बस इस घर में रह रही हूँ। आपकी असली दोस्त तो वो ही है ना, जो शर्मन की असल पत्नी है। रानी सीता की करवाहट बढ़ती देख हिल जाती है। और वैसे भी रानी, आपको तो शर्मन के साथ प्यार भरा समय साथ गुजारना चाहिए ना। नई नई आशिकी है, जाइए दोनों जाकर बागों में प्यार भरे गीत गाइए। जाइए ना, अभी तक खड़ी क्यों है आप? और सीता रानी को उसके कमरे से बाहर निकालने लगती है। तभी जाती हुई रानी का हाथ पकड़कर सीता उसे अपनी ओर खींचती है। अच्छा ये बताओ, खुद का मजाक बनता नजर नहीं आता क्या, जब ऐसे आदमी से संबंध जोड़ती हो जो दो दो औरतों की पहले ही कोख भर चुका है। लगता है शायद अब तुम्हारी बारी आने वाली है, जी जी सौत। इस बार रानी सीता की बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। सीता आईने के सामने खड़ी होती है, जिसमें एक और सीता उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। देख सीता देख, क्या से क्या बन चुकी है तू, खुद को देख, क्या तू सच में ऐसी ही थी? सीता खुद को आईने में छूकर देखती है। नहीं, मैं नहीं हूँ ऐसी, मगर जो इंसान ज्यादा कोमल हृदय का होता है, दुनिया उसे उतना ही अधिक नोचती है। और नोचते नोचते मेरे जख्मों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि देख सीता, मैं क्या से क्या बन गई। और उस आईने वाली सीता के बगल में वह मासूम वाली एक और सीता भी आकर खड़ी हो जाती है, जिस सीता को दोनों सीता देखते ही रो उठते हैं। हम दोनों को माफ कर देना सीता, हम तेरी मासूमियत इन जल्लादों से नहीं बचा पाए, माफ कर दे सीता, माफ कर दे। और सीता आईने के सामने हाथ जोड़ते हुए वहीं बैठकर रोने लगती है कि अचानक सीता के पास एक छोटी बच्ची आकर उसके आंसू पोंछती है। सीता सामने देखती है तो वह छोटी बच्ची सीता का ही बचपन था। छोटी सीता बड़ी सीता को सहलाती है और आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। नन्ही सीता के हाथ में वही गुड्डा था जिसे शर्मन समझकर वह पूरे बचपन प्यार करती आई थी। सीता आश्चर्य से खुद के बचपन को देख रही थी। क्यों परेशान हो सीता, क्या हुआ मुझे बताओ? इतनी मासूमियत भरी बोली सुनकर सीता रोते हुए उस नन्ही को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो सीता, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई, मैंने बहुत ज्यादती की है ना तुम पर। ज्यादती? कैसी ज्यादती सीता, मैं तो तुम्हारा बचपन हूँ जो बड़ा ही सुंदर बीता, और तुम मेरी जवानी हो जिसे तुम अपने हाथ से बनाओगी।
किसी और का हक नहीं है जो तुम्हें बना या बिगाड़ सके। तुम भी अजीब पागल हो सीता, तुमने तो इस भोली सीता को मजबूत बनाया है। सीता उस बच्ची को करुणा भरी निगाहों से देखती है। हाँ सीता, मैं सही कह रही हूँ। देखो मुझे, क्या तुम अभी भी मुझ जैसी ही होना चाहती हो? ऐसी मासूमियत, ऐसा भोलापन किस काम का, जब मुझ में बचपन में ही ब्याह कर मुझसे मेरा बचपन छीना गया था। पर तुमसे तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी ममता कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। सीता सीता अपने बचपन को कसकर सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोती है, और नन्ही सीता उसका सिर सहलाती है। सीता तुम लड़ोगी, सुना ना, तुम्हें लड़ना ही होगा इसके लिए। और नन्ही सीता सीता के पेट को चूमते हुए उसके बच्चे को सहलाती है, और देखते ही देखते सीता के सामने का सारा मंजर एकदम ओझल हो जाता है। सीता अपने आंसू पोंछती है और अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। बाहर रानी को रोता देख शर्मन उससे पूछता है, और रानी उसे सारी राम कहानी सुनाती है। और शर्मन, उस पागल सीता को यह लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं रानी, तुम उसकी बातों को माइंड मत करो। मैं देखता हूँ कि कैसे वो डिनर पर नहीं आती है। आना तो पड़ेगा उसे, आज सीता की हकीकत का भी सबको पता चल ही जाना है। क्या अजीब किस्सा चल रहा है इस परिवार का, हर कोई अपनी गलतियों का ठीकरा कितनी जल्दी सीता पर रखता चला आ रहा है। अरे पागलों, जरा नजर उठाकर ये भी तो देखो कि तुम सबने कैसे कैसे कर्म अपने जीवन में किए हैं। अगर आप सभी सहमत हैं तो अपनी राय हमें जरूर बताएं। आप सबके संदेश हमारे राइटर तक पहुंचते हैं, इसलिए लिखते रहिए और देखते रहिए। आइए सब मिलकर सीता को इस कहानी में जीत दिलाते हैं। और शर्मन सीता के कमरे में जाता है। सीता खिड़की के सहारे खड़ी थी, शर्मन पीछे से जाकर सीता के गले लगता है। सीता शर्मन को खुद से दूर करना चाहती थी, मगर वह इतना प्यार करती थी कि उसे शर्मन की छुअन सुहाती है। सीता मेरी बात सुनोगी? हम्म। एक बार मुझे अपना बाबू कहकर पुकारोगी मेरी सीता? वह ये सुनकर शर्मन को दूर हटाती है। बस करो ना अब तुम, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता क्या शर्मन? आखिर चाहते क्या हो, क्यों इस घर में मेरा रहना नरक कर रहे हो? इस बार सीता की आंखों में बेचारेपन के आंसू नहीं, बल्कि अपनी आवाज उठाने का जोश नजर आ रहा था। चुप, एकदम चुप। शर्मन सीता के चेहरे के नजदीक अपना चेहरा ले जाकर सांसें लेने लगता है। शर्मन दूर हटो मुझसे, जाओ उधर, तुम्हारी पूनम तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और मैं, क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता हूँ? मैं नहीं आ रही हूँ बस। सीता मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम हमारे साथ आ रही हो बस। हुक्म किस हक से चला रहे हो तुम? तुम्हारे पति होने के हक से। और ये कहते ही शर्मन सीता की उजड़ी हुई मांग पास रखे सिंदूर से तुरंत भर कर बाकी हाथ में लगे सिंदूर को उसके गालों पर गुलाल की तरह लगा देता है। और सीता चौंकते हुए शर्मन की ओर देखती है। शर्मन हाथ पकड़कर सीता को आईने के आगे लाता है और उसे आईने में देखने को कहता है। सामने देखो सीता, ये हो तुम, इस घर की बहू। यहाँ से पूनम तो क्या, शर्मन भी तुम्हें नहीं निकाल सकता। ये सुन सीता की सारी गलत फहमी एकदम से दूर होने वाली ही थी कि उसकी आंखों में फिर से प्यार की चमक जल उठने वाली ही थी कि तभी शर्मन सीता के सामने चुटकी बजाता है। अरे कहाँ खो गए मैडम? और सीता देखती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सब सीता के दिमाग का वहम था। आज रात के डिनर पर मैं पूनम को प्रपोज करके ऑफिशियली शादी के लिए पूछने वाला हूँ, इसीलिए पूरे परिवार का होना जरूरी है। और मेरी एक्स वाइफ का भी, और वैसे भी अब जितने दिन भी हम साथ में हैं, तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ ही सारा समय बिताओ, ये तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। शर्मन जब ये सब कह रहा था उसके होंठ एक बार भी नहीं कपकपाए, ना ही जीभ लड़खड़ाई। इतना पत्थर कोई कैसे हो सकता था? और वह ये कहकर चला जाता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है। अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा सीता, मैंने तुम्हारे मन पर चोटी ऐसी दी है कि तुम आओगी, जरूर आओगी। कुछ देर बाद शर्मन को रवि का फोन आता है और सब डिनर के लिए होटल जाने को निकलते हैं। शर्मन और रानी की नज़र सीता के कमरे में बंद दरवाजे की ओर थी। शर्मन वो नहीं आएगी, मैं जानती हूँ उसे। मेरा मन कहता है कि वो जरूर आएगी। पर सीता नहीं आती है और शर्मन मायूस होकर घर के बाहर जैसे ही कदम रखने लगता है, तभी सीता के कमरे का दरवाजा खुलता है और उसमें से सीता बाहर आती है। सीता को देखकर सब यकायक चौंक उठते हैं। जहां एक और पूनम ने मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, वहीं सीता एक सुहागन की तरह सजती है। लाल साड़ी में सीता लाल परी से कम नहीं लग रही थी।
सीता का रूप देखकर तो पूनम तक का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। राम राम राम, किसी की बुरी नजर ना लगे मेरी बहू को, इतनी सुंदर लग रही है ना बेटा तू। देखा जी, आदमी को हमेशा अपना शरीर देखकर कपड़े पहनने चाहिए। आज तो वहाँ सब मेरी बहू को ही देखते रह जाएंगे। रुक बहू, अभी तेरी नजर उतारू। और रेखा सीता पर पैसे वार कर पूनम के हाथ में थमाती है। ले पूनम, इन पैसों से कुछ चीज खा लेना। पूनम इससे और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और ये देख रानी को हंसी आ जाती है। वाह आंटी, क्या सही इलाज किया है इस चुड़ैल का तो आपने। ऐसी ही काबू में आएगी ये डायन, मेरी सीता का घर निगलने में लगी है। पापी शर्मन सीता की ओर ना देखे इसलिए पूनम चलते हुए जाकर शर्मन से चिपक कर उसे वहां से ले जाती है। रानी भी सीता से बात करने की कोशिश करती है मगर सीता रानी को अनदेखा कर वहां से चली जाती है। और सब होटल में पहुंचते हैं जहां रवि ने डिनर की सारी व्यवस्था कर रखी थी। रवि की नजर पूनम की ओर पड़ती है और वह सबसे बचकर उसे आंख मार कर चुम्मे का इशारा करता है। ये देख पूनम भी मुस्कुरा देती है। कमरे में इंतजार करूंगा तुम्हारा। और मुझसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा, जल्दी ही आती हूँ ये फैमिली ड्रामा निपटा कर। सब लोग बैठकर डिनर करते हैं मगर वहाँ रानी सीता और पूनम नहीं थी। भाई अभी तक उन लड़कियों को दूर क्यों रखा हुआ है, वो आए तब तो डिनर शुरू होगा ना। बहुत जोरों से भूख लग रही है। वो मैंने कुछ अलग सोचा था कि फैमिली डिनर में क्यों ना एकदम भारतीय फैमिली की तरह आज बहू बेटियां हमें खाना परोसे और फिर जोड़े से बैठकर साथ में खाना खाएं। ये सुनते ही सब हंसते हैं। अरे रवि तो रवि ही है, ये बदल थोड़ी ही सकता है नालायक। तभी रवि बोलता है, एक मिनट, मैं अपने एक दोस्त को भी आप सबसे मिलाना चाहता हूँ, वो मेरा बहुत अजीज दोस्त है। रानी और सीता भी आकर टेबल पर बैठ चुके थे मगर पूनम अभी भी अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पका ही रही थी। ये सलाद से सजी हुई थाली ले जाती हूँ, कह दूंगी मैंने खुद ने एक एक टुकड़े अपने हाथ से काट कर सजाया है। विनोद आओ यार, मिलाता हूँ तुम्हें मेरे एक और परिवार से। और विनोद आकर टेबल पर बैठता है जिसका चेहरा देखकर शर्मन का खून खौल उठता है। उसका चेहरा देख रानी के भी गले में निवाला अटक जाता है। ये मेरा दोस्त है विनोद। रवि का दोस्त विनोद और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो सीता के कमरे में गलत तरह से देखा गया था। तभी वहाँ पूनम आ जाती है। देखी देखी इस 5 सितारा होटल में भी पूनम की कलाकारी, और मैं लाई हूँ सतरंगी सलाद। पूनम की नजर जैसे ही विनोद पर पड़ती है वह तो अपनी नौटंकी भूल घबरा जाती है और उसके हाथ से सलाद की प्लेट जमीन पर गिरती है और वहीं बिखर जाती है उसकी सारी कलाकारी। अब देखिए आखिर इस पक रही खिचड़ी के चावल किसके हैं और दाल किसकी, तो देखते रहिए कैसे शर्मन और सीता की कहानी के चावल पकने में कितनी ही सीटियां और लगना बाकी है। अरे अनुपमा रुको तो सही, तुम इतना क्यों भाग रही हो, अगर मैं वो देख लूंगा तो क्या हो जाएगा। नहीं पापा, मैं नहीं दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारी ऑडियंस के लिए है। दोस्तों जिस तरह हमें प्यार मिला है उसी तरह हमारे इस नए चैनल को भी आपके साथ और प्यार की जरूरत है। और हाँ, इस पर हम लाएंगे छोटी छोटी सुंदर कहानियाँ। सो प्लीज कीप लविंग अस गाइस। और कीप लविंग मी शैतान लड़की। पूनम के हाथ से जैसे ही सलाद की थाल गिरती है वह गुड़ते हुए रवि के बगल में बैठे उसके दोस्त के पाँव में आकर गिरती है, जो पूनम के लिए शायद अब बुरा ख्वाब बनने वाला था या फिर सीता के लिए। आगे देखिए, रवि का वह मेहमान और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो सीता के साथ उस कमरे में पकड़ा गया था जिसे पूनम ने खुद भेजा था। पूनम शर्मन के चेहरे की ओर देखती है। शर्मन का खून एकदम खौल रहा था, जिसे ढूंढ रहा था वो गली गली, वह आज उसके ठीक सामने आकर बैठा था, वो भी बेखौफ सा। ये देख पूनम भी सहम गई थी। इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। किसे नहीं होना चाहिए था पूनम, क्या हुआ? यह विनोद को इस महफिल में शामिल होता देख वह घबरा जाती है। अरे ये क्या पूनम, तुमने इतना लजीज सलाद क्यों गिरा दिया? मैं वो मैं पूनम तुम ठीक तो हो ना? वो शायद कमजोरी से सिर घूम गया है इसलिए वह प्लेट भी हाथ से गिर गई। पूनम अपने बेचारेपन पर तुरंत ही 2 आंसू छलका देती है और ये देख रानी तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती है और पूनम को बड़े ही प्यार से कुर्सी पर बिठाती है। ये पागल अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। अब पूनम रवि के ठीक बगल में आकर बैठी थी और रवि विनोद के बगल में। मजा तो अब आने वाला था।
सीता बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस शांत मन से इधर उधर देख रही थी, जिसका चेहरा शर्मन नोटिस कर रहा था। अरे इसे मिलाने की बजाय मैं तो सीधे ही विनोद को हमारे बीच में ही ले आया। दरअसल मैं और विनोद एक ही ऑफिस में काम करते करते बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और मुझे पता चला कि इन दिनों ये यहीं रह रहा है, तो मैंने इसे भी बुला लिया। विनोद भी शर्मन की शक्ल देखकर चौंका हुआ तो पहले से ही था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना यार, वो विनोद भी मेरी फैमिली जैसा ही है, इसीलिए फैमिली एक साथ मिल जाए इससे अच्छा और क्या होगा। शर्मन पास रखे कांटे वाले चम्मच को हाथ में पकड़कर जोर से भींचता हुआ अपना गुस्सा दबा रहा था। नहीं नहीं गलत कैसा, इसी बहाने तुम्हारे दोस्त से मुलाकात तो हुई, और हाँ फैमिली जैसा तो ये है ही। पूनम इशारों में ही विनोद से मन ही मन बातें कर रही थी। तुम यहाँ आए ही क्यों पागल आदमी? पर मैं तो जानता भी नहीं था यहाँ तुम्हारा परिवार होगा, और आखिर यहाँ चल क्या रहा है पूनम? मौका पाकर रानी पूनम के नजदीक आने के लिए थोड़ा सा उसे मक्खन लगाने लगती है। अरे पूनम इतनी देर से कुछ खाया भी नहीं है, ऐसी हालत में भूखे नहीं रहना होता पूनम। जो रानी कल तक छोटी छोटी सीता सीता करते करते नहीं थकती थी, अब सीता की ओर देखकर मुस्कुरा तक नहीं रही थी। अब उसे लगने लगा था कि यहाँ एक और रिश्ते में सीता को धोखा मिल रहा है। रानी को पूनम की इतनी परवाह करता देख सीता समझ गई थी कि रानी भी बाकी सभी की तरह दोगली और मौका परस इंसान है। यह देख सीता रानी से मुंह फेर लेती है। लाओ मैं ही परोसती हूँ सबको खाना, अब फैमिली डिनर हो या घर का काम तो मुझे ही करना होगा। ये देख रानी बीच में ही बोल पड़ती है। अरे आंटी जी आप क्यों परेशान होती हैं? सीता है ना हमारी, वो तो सब काम अच्छे से कर लेती है, तो आज यहाँ सीता हम सबको खाना खिलाएगी। वह सीता की ओर मुस्कुराकर देखती है, और यह देख सीता थोड़ी सी चिढ़ उठती है। हाँ करवा लो, ये सब कब तक करवाओगे? एक दिन आएगा जब ये सीता भी आराम करेगी रानी की तरह। सीता रानी को जानबूझकर सुनाती हुए ऐसे डायलॉग मारती है। शर्मन सीता को विनोद के बगल में से गुजरता देखता है, मगर सीता के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। अगर सीता विनोद को देखकर जरा सा भी सहमती है तो मैं समझ जाऊंगा कि दाल में जो कुछ भी काला है वो सीता और विनोद ने ही मिलाया है, और अगर सीता को फर्क नहीं पड़ा तो इस काली दाल और पूनम इनको तो मैं बाहर ही निकाल दूंगा। सीता एक एक करके सबको खाना परोसती है, और फिर बारी आती है विनोद की। सीता उसकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराती है। शर्मन की नज़र लगातार सीता पर ही थी। जैसे ही सीता मुस्कुराई शर्मन चिढ़ गया, और वह जोर से टेबल को मुट्ठी में भींच लेता है। तभी सीता बोलती है, भैया आप दाल कौन सी वाली लेंगे? ये सुनते ही शर्मन को राहत महसूस होती है। सीता तो बेचारी जानती भी नहीं थी कि विनोद कौन है, क्या उसकी कहानी है, क्यों वह वहाँ आया है, क्योंकि विनोद को तो सीता ने कभी देखा ही नहीं था, वह तो हमेशा ही बेहोश रही थी। अब शर्मन को सीता पर फिर से प्यार आने लगा, उसकी नजर में सीता का पवित्र मन फिर से महकने लगा था। सीता विनोद के सामने से चार बार गुजरी, मगर एक बार भी उसकी नियत में खोट नहीं था। तब वह पूनम के चेहरे की ओर देखता है, जो लगातार चिंता में डूबा था। क्या हुआ पूनम, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। मैं तो कहाँ क्यों परेशान नजर आऊंगी, और वो शायद इसलिए कि खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा थी ना, तो ओह मेरा गला, आ मिर्ची उफ, कुछ मीठा दे दो। हाँ नौटंकी कहीं की। रानी के पीछे खड़ी सीता रानी के ये शब्द सुन लेती है। रानी जी आप क्या सबके लिए ही पीठ पीछे इतना गलत गलत बोलती हैं? कभी किसी एक की सगी बनकर तो देखो। रानी उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर फिर से उदास हो जाती है। प्रचंड रूप में आ चुकी सीता अब तो जुबान से भी सब पर बाण पर बाण छोड़े जा रही थी, और तभी पूनम की तकलीफ देख विनोद उठकर उसके पास जाता है और उसकी पीठ सहलाता है। तुम ठीक तो हो ना पूनम, लो और पानी पियो। तभी पूनम विनोद के पांव पर हील मारती है, और उसकी ओर आंखें निकालकर उसे बिठा देती है। आहा यहां हुई आशिकी शुरू, करो करो और करो, तुम जितने नाटक करोगे उससे इस नालायक शर्मन की आंख उतनी ही खुलेगी। कब से कह रही हूँ मेरी छोटी एकदम प्योर है, सीता की तरह, पर नहीं इस गधे के दिमाग में तो कुछ भी नहीं आता है। रुको मैं कुछ मीठा लाता हूँ। और रवि वहाँ से अंदर चला जाता है। पूनम को अब इसके बाद पकड़े जाने का डर था, तभी वह विनोद को इशारा करती है। सब फिर से डिनर कंटिन्यू करने लगते हैं। सीता फिर से विनोद की ओर जा रही थी, तभी विनोद सीता को इस तरह छूता है कि सीता थोड़ा सा सहम जाती है। यह चीज रानी और शर्मन दोनों देख लेते हैं।
अब जहाँ से शर्मन की सोच शुरू हुई थी वहीं पर जाकर रुक जाती है। वह फिर से सीता को शक की निगाहों से देखता है। रवि मीठा लेकर पूनम के पास आता है और आहिस्ता से एक पर्ची उसके हाथ में थमा देता है। यह देख वह हल्का सा हंसती है। आज रात काफी हो गई है, अभी गांव लौटना सही नहीं होगा। आज रात को आप सबकी यहीं इसी होटल में रुकने की व्यवस्था मैं करा चुका हूँ। अब आप सब अपने अपने कमरे में आराम करिए। और वहाँ से सब चले जाते हैं। विनोद और रवि दोनों ही पूनम की ओर मोहब्बत भरे इशारे कर इतरा रहे थे। सीता भी मजे से अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे कुछ नजर आता है और वह उस ओर मुड़ जाती है। रवि तुझे क्या लगता है, मेरी बीवी सीता का कहीं दोष है या सारी कहानी इस पूनम की ही है? रवि ये सुन जरा सा मुस्कुराता है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ दोस्त, मगर शायद कल तक मैं इस दूध में से पानी को फिल्टर कर दूंगा पक्के से। मेरे लिए इतना करने के लिए शुक्रिया दोस्त। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, ये कर तो मुझे भी मजा आ रहा है। और रवि शैतानी मुस्कान देकर अपने होठों को रगड़ता है। कुछ भी पता लगे तो मुझे जरूर बताना। हाँ जरूर बताऊंगा जरूर। और शर्मन और रवि दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार शर्मन और रवि के बीच चल क्या रहा था, आइए चलते हैं कुछ घंटों पहले की घटना को देखने। जब वो शहर का दरवाजा खटखटाता है, शर्मन दरवाजे के बाहर था और दरवाजा जैसे ही खुलता है उसके सामने रवि खड़ा होता है। दोस्त आज मैं तुझे साथ ले जाने आया हूँ। पहले अंदर तो आ, बात क्या है बता तो सही, और गले नहीं लगेगा क्या दोस्त के? ये सुनते ही शर्मन रवि के सीने से लग जाता है और उसके आंसू बिखर जाते हैं। शर्मन रवि के सामने फूट फूट कर रोता है। अक्सर कहते हैं कि मर्द बहुत स्ट्रांग होते हैं, कभी रोते नहीं हैं, सारे गम सहकर भी मुस्कुरा लेते हैं। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब उनका मन इतना भारी हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं सहारा ढूंढ कर रो लेते हैं। रवि शर्मन का वही सहारा था। शर्मन चुप हो जा मेरे दोस्त और बात बता, तू क्या मुझे भी नहीं बताएगा, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ ना, चल अब बता मुझे क्या बात हुई। और रवि के इतने अपनेपन से पूछने पर शर्मन ने अपना मुंह खोल डाला। कहानी की भागम भाग में शर्मन के मन के भीतर क्या चल रहा है ये कहीं ना कहीं दब कर रह गया। जो लड़का हरदम प्रेम से घिरा रहता था आज उसके जीवन में प्यार था ही नहीं। रानी जो शर्मन का बचपन का प्यार थी पहले वो दूर हो गई। फिर पूनम मिली जिसके साथ वह जीवन बिताना चाहता था, उसने भी वह नहीं निभाया। और सीता जिसे शर्मन अपने जिगर के टुकड़े की तरह मानने लगी थी कहीं ना कहीं गलत फहमी के चलते वह भी उससे दूर हो गई थी। प्यार करने वालों से घिरा इंसान जब एकदम से अकेला हो जाता है तो उसके इस दर्द को कोई नहीं समझता, खास करके लड़कों का। मगर उसके दोस्त रवि ने उस पर दबाव बनाकर सारी बातें बताने को कहा। रवि मेरा घर टूट रहा है, मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ कि अगर दाएं चलूँ तो मौत है और बाएं चलूँ तो मतलब मुझे ठीक से बता। शर्मन रवि को शॉर्टकट में सारी घटना सुनाता है। और मुझे लगता है कि मैंने उस लड़के को तेरी किसी पार्टी में देखा है, तो तेरे पास जो एल्बम है तू लेकर आ, मुझे उसके बारे में पता करना है। रवि फोटो एल्बम लेकर आता है और शर्मन देखने लगता है। कुछ फोटो के बाद शर्मन की अचानक नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें वही लड़का पीछे कोने में खड़ा था। यही है, हाँ यही तो है वो जो मेरी सीता के कमरे में था। ये तो विनोद है, मेरा ऑफिस का दोस्त, मगर ये तेरी कहानी का विलन है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, जरूर चुड़ैल ने किया होगा सब। ये सुनते ही शर्मन के कान खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल, कौन चुड़ैल? वही इसकी माशुका, वही हमेशा ही उल्टे पुल्टे काम बताकर इसके कान भरती थी, जैसे बॉस से लड़कर नौकरी छोड़ देना या अपने माँ बाप से पैसे मांगना, यही सब कराती थी वो। कौन थी और नाम क्या था उसका रवि? दोस्त नाम तो नहीं जानता क्योंकि विनोद कभी भी उसका नाम नहीं लेता था, उसे डर था कि कहीं हम उसे उस लड़की को छोड़ने को ना कह दें। यार तो क्या तू इस विनोद को मेरे यहाँ लेकर आ सकता है? हाँ क्यों नहीं, ये मेरा खास दोस्त है, बुलाऊंगा तो मना नहीं करेगा। नहीं नहीं मेरे घर नहीं, उस जगह को तो ये जानता है, फंसेगा कैसे, इसके लिए हमें कोई और ही प्लान बनाना होगा। और शर्मन रवि को लेकर शहर से गांव आता है और दोनों दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं। शर्मन नहीं जानता था कि असल में विनोद का संबंध पूनम से है या सीता से, इसलिए वह होटल में दोनों की ही हरकत नोटिस कर रहा था। सीता थोड़ी आगे चलती है तो उसे एक बड़ा फूल का गुलदस्ता नजर आता है जिसमें एक कार्ड रखा हुआ था। सीता उसे पढ़ती है। ये बस तुम्हारे लिए है, सारी नाराजगी सारे शिकवे भूलकर बस एक बार आज रात का समय मुझे दे दो जान, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी सीता, तुम्हारा राम तुम्हारे इंतजार में, कमरा नंबर 18।
सीता की आंखें ये सब पढ़कर नम हो चुकी थी। उसकी नाराजगी एकदम से ढह चुकी थी और वह उस ओर बढ़ने लगती है। अब देखिए आखिर कौन किसके साथ खेल खेल रहा है, ये समझने के लिए तो आपको बालिका वधू को पूरा देखना होगा। कहानी थोड़ी सस्पेंस भरी है, इंतजार का फल मजेदार मिलेगा, इसलिए देखते रहिए बालिका वधू का हर भाग। अरे कनिष्क, यह तो एकदम दूसरा परिवार है। हाँ नीलम, ये परिवार हमारा ही परिवार है और यहाँ हम एक गुहार लगाने आए हैं। दोस्तों, हम एनिम स्टोरी से आए हैं, हम हैं नीलम और कनिष्क और आप सब भी हमारा परिवार है। आप में से कुछ लोग हमें पहचानते होंगे और बहुत कुछ का अभी भी हम तक पहुँचना बाकी है, इसलिए सब मिलकर कीप सपोर्टिंग अस और देखते रहिए एनिम स्टोरीज की सभी कहानियाँ और हमारा नागिन शो। और हाँ, बालिका वधू को भी अभी और ढेर सारे प्यार की जरूरत है, इसलिए और भी जमकर देखिए हमारी दूसरी फैमिली लव सिटी की ये कहानी। और वादा है आपसे हमारा, हम आगे भी ऐसे ही जबरदस्त मजा आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए लव सिटी लगातार। और हाँ, एनिम स्टोरीज को भी ना भूलें। आगे कहानी। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। पूनम या सीता, कौन धोखेबाज कौन सच्चा, मैं सब जान लूंगा। रवि ने अभी तक शर्मन से इस बात का जिक्र नहीं किया था कि पूनम उसके यहाँ रुकी थी। जब उसकी माँ बनने की खबर आई थी, शायद रवि अपना खुद का निजी खेल खेल रहा था। सीता कमरा नंबर 18 के बाहर खड़ी होती है और वह दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलता है तो सीता देखती है कमरे में एकदम अंधेरा है। जरा सी रोशनी में बस दो आंखें नजर आ रही हैं, पर वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर देना। उसके हाथ में अभी भी वह कार्ड था जिसे वह समझ रही थी कि शर्मन ने सीता को कार्ड दिया है। शायद आज सब ठीक हो जाएगा, मैं सब भूलने को तैयार हूँ, बस एक शर्त है। शर्त? शर्त तो मेरी भी है। हल्की रोशनी में वह देखती है कि सामने खड़ा लड़का उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। सीता उसके नजदीक जाती है और उसे अपनी ओर मोड़ती है। उसका चेहरा देख सीता चौंक उठती है। हाँ? और सीता के हाथ से कार्ड छूटकर नीचे गिर जाता है। उधर एक और कमरे के बाहर इतराई सी खड़ी पूनम भी दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही थी और तभी दरवाजा खुलता है और उसमें से दो हाथ बाहर आकर पूनम को कमर से जकड़कर कमरे के अंदर खींच लेते हैं। अरे अरे, सब्र करो, ये मेरे इतने भारी पेट का तो ध्यान रखो यार, यही तो हमारी किस्मत की चाबी बनने वाला है। ऐसे कैसे बस करूं मेरी जान, इतने दिनों बाद तो मैं एक हसीना को छू रहा हूं। तो भीतर सवाल उठ रहे हैं ना कि आखिर कौन से कमरे में कौन है, तो बताइए अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर कि पूनम के कमरे में कौन है और सीता के कमरे में कौन। वह लड़का पूनम को आहिस्ता से उठाकर बाहों में झूमता है और बिस्तर पर लेटा देता है और पास रखी गुलाब की पंखड़ियों से भरी टोकरी से पंखड़ियां उठाकर पूनम के शरीर पर छिड़कने लगता है। पूनम गुलाब की खुशबू से मदहोश होकर अंगड़ाइयां लिए जा रही थी और वह लड़का बस हंस रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि विनोद ही था। ओ जान, मैं तुम्हें अपनी बाहों में थामने के लिए कब से बेताब हो उठा था। आहिस्ता बोलो आहिस्ता, क्या पता अभी हम पर कोई नजर रखी हो या छिपकर हमें कोई सुन रहा हो। अब तो मुझे डर लगने लगा है, पर आखिर ये सब तुमने किया कैसे? यहाँ हमें कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा, यही तो कमाल की बात है कि आखिर मैंने खेल पलटा कैसे। उधर सीता देखती है तो सामने शर्मन नहीं बल्कि कमरे में उसका दोस्त रवि खड़ा था। सीता के साथ साथ आप भी सब चौंक गए होंगे ना, जहाँ प्लान के मुताबिक तो रवि पूनम को कमरा नंबर 18 में बुलाना चाह रहा था, वहाँ अचानक सीता कैसे पहुँच गई? और अगर सीता यहाँ आई है तो विनोद और पूनम उस कमरे में कैसे पहुँच गए? आप यहाँ पर, शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ, मुझे चलना चाहिए। और सीता पलटकर जैसे ही जाने लगती है, रवि पीछे से सीता का हाथ थाम लेता है। सीता पराई मर्द की छुअन पड़ते ही फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब आई हो तो मेरी बात तो सुनकर जाओ, मैंने कहा था ना सब ठीक होगा, और तुम भी तो यही चाहती हो कि सब ठीक हो जाए, है ना? चाहती हो ना, बोलो। रवि सीता की ओर कदम बढ़ा रहा था और वह घबरा कर पीछे हट रही थी, तभी उसे पीछे की ओर टक्कर लगने से वह गिर जाती है और रवि उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। नहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, शायद आप गलत समझ रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। मगर रवि सीता को जाने नहीं देता है। मैंने कहा था ना मैं सब ठीक कर सकता हूँ, कहीं मत जाओ।
रानी और शर्मन होटल में खड़े होकर अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, जिन लोगों पर हम विश्वास कर रहे हैं ये कहीं हमें धोखा तो नहीं देंगे? रानी, रवि पर मुझे विश्वास है, वो सारे अंदर की बात का पता करके मुझे सच ही बोलेगा, मैं जानता हूँ उसे। रही बात विनोद की, तो विनोद सीता का यार है या पूनम का, वो बस मेरे अगले कदम के बाद साफ हो ही जाना है। क्या कर रहे हो तुम शर्मन, मेरा मन सीता के लिए बैठा जा रहा है। रानी की बात सुन शर्मन जरा सा मुस्कुराता है। मेरी बात तो सुनो, ये घाटे का सौदा नहीं होगा। और रवि सीता के करीब जाकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है, जिसे सुनकर सीता, जिसकी मुट्ठियां घबराहट से साड़ी को भींचे हुई थी, वह लाश की तरह ठंडी पड़कर खुल जाती हैं और वह रवि की ओर मुड़ जाती है, जैसे उसने अपनी अकड़ और हथियार दोनों अब नीचे डाल दिए हों। रवि उसकी ओर मुस्कुराकर उसका सिर सहलाता हुआ उसका गाल भी सहलाता है। सीता की आंखों से आंसुओं की गंगा तो लगातार ही बह रही थी। बताओ ना विनोद, मुझे आखिर यहाँ सब हो क्या रहा है? तुम यहाँ पर आए कैसे और फिर कमरे तक कैसे पहुँचे? रवि मेरा दोस्त है पूनम, मैं नहीं जानता था कि वो जहाँ मुझे बुला रहा है इस जगह तुम और ये परिवार होगा, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे खुशी भी हुई कि मेरी जान आज इतने दिनों बाद मेरी बाहों में है। पूनम रवि की बात सुनकर चिंता में पड़ गई, कहीं ऐसा तो नहीं रवि हमारे साथ कोई गेम खेल रहा हो और इस खेल में वो अकेला ना हो। ये सुनकर विनोद पूनम के गालों को चूमकर हंसने लगता है। क्या, ये क्या है? अरे तुम्हारा यार कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ही है, जो यहाँ तक बिना कोई चाल चले ही आया है, मैंने रवि से पहले ही बात कर ली है। विनोद डिनर के बाद रवि को साइड में लेकर जाता है। विनोद तू यहाँ मेरा दोस्त बनकर आया है, तो फिर तू जो करना चाह रहा है मुझे सब नजर आ रहा है, और जानता है ना तू वो कितना गलत है। ये तू किस बारे में बात कर रहा है? सीता शर्मन की पत्नी है और पूनम शर्मन की पत्नी है, ऐसे में तू दोनों पर लाइन मार रहा था विनोद। अगर शर्मन को जरा सा भी अंदाजा हुआ तेरे इरादों का तो वो तुझे तोड़ेगा भी और जुड़ने भी नहीं देगा। विनोद ये सुनकर घबरा जाता है। और मैं मेरे दोस्त को धोखे में नहीं रखूंगा, मैं शर्मन को तेरे इरादे बताने जा रहा हूँ, और तू भी यहाँ से अभी चला जा, वरना शर्मन का गुस्सा देखने के लिए तैयार रहना। और रवि जैसे ही जाने लगता है विनोद रवि के सामने नोटों की एक गड्डी रखता है। रवि एक स्ट्रगलर था, पैसा देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। ये क्या है? सोच जरा, इतनी बड़ी नोटों की गड्डी से भरा तेरे पास पूरा एक बड़ा बैग होगा, खुद की प्रॉपर्टी होगी, ये सब किसे नहीं चाहिए रवि, किसे नहीं चाहिए। रवि की आंखों में पैसा देखकर चमक आ गई थी, वह अपने कदम पीछे ले लेता है। बस तो अब तू भी हमारे साथ मिल, बहुत जल्द ही पूनम उस बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली है, और उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। अब रवि के चेहरे पर भी लालच भरी हंसी छा गई थी, शायद वह अपना फैसला अब बदल चुका था। ठीक है, अभी इसको यहीं रोकते हैं, मैं शर्मन के आगे अपना मुंह बंद ही रखूंगा। और वह पैसे लेकर कपड़ों में डाल लेता है। चल अभी मुझे जाना है विनोद, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कौन कर रहा है इंतजार, बता मुझे भी, दोस्त से छिपाएगा? और बता सुंदर है क्या वो? अरे विनोद सुंदर तो इतनी है कि किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लगती, जो देख ले उसका दिल तो अटक ही जाए एक बार, इतनी मस्त है वो मैडम तो। अच्छा, पर है कौन वो? अरे पूनम, शर्मन की होने वाली पत्नी। सच बताऊं क्या भाई, मजा लेना हो तो किसी इंसान की कमजोरी पकड़ लो और फिर उठा लो फायदा, मगर यहाँ तो पूनम खुद ही मेरे साथ मजा करने को तैयार हो गई थी। ये सुनते ही विनोद को गुस्सा आता है और वह रवि को कॉलर पकड़ कर उसे धकेलता है। ए रवि, पूनम मेरी बंदी है, उसे अगर छुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे यार तू हाइपर क्यों हो रहा है, मैं तो बस तुम्हें सच ही बता रहा था, अब मुझे क्या मतलब वो किसी की भी बंदी हो, मेरा तो उसके साथ सौदा तय हुआ था कि वो होटल के कमरा नंबर 18 तक आएगी और बदले में मैं अपना मुंह शर्मन के आगे बंद रखूंगा। तभी विनोद के दिमाग की बत्ती जलती है। रवि तू यही चाहता है ना कि तू मजे करे, तो मेरे पास एक दूसरा इससे भी जबरदस्त प्लान है जिसमें तू भी मजा कर सकेगा और मैं भी। रवि विनोद की बात सुनकर खुश होता है और फिर शर्मन के नाम का कार्ड सीता के लिए रख देता है, जिसे पढ़कर सीता समझती है कि कमरा नंबर 18 में शर्मन ने उसे बुलाया है, जबकि असलियत में उस जगह ना ही शर्मन था ना ही विनोद, बल्कि रवि था। और रवि पहुंचता है उस कमरे में और पूनम और विनोद करते हैं दूसरे कमरे में मजे। कैसी अजीब लीला रची है सबने, सब अपने अपने स्वार्थ को भूनने के चक्कर में उस मासूम सीता की मासूमियत का सौदा किए जा रहे थे। हे ईश्वर, ये इंसान और कितना गिरने वाला था। पूनम रवि और विनोद की कहानी जानकर विनोद के शातिर दिमाग से इम्प्रेस होकर तालियां बजाती है। ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग मूव्स माय हनी, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया आज। अब मैं समझी कि आखिर क्यों मेरा दिल इतने सालों से तुम पर ही अटका है, माय विनोद बेबी। और पूनम विनोद को गालों पर चूमती है।
और दोनों की पूरे कमरे में हंसी की गूंज गूंजती है। तुमसे ही सीखा है पूनम, तुम जो हमेशा से ऐसा ही विनोद चाहती थी वही बन रहा हूँ मैं। विनोद बॉस से कभी दबना नहीं, हमेशा ज्यादा पैसों की चाह रखना, ये सभी तो मुझे मोटिवेट करते रहे हैं। मैं अब ठीक से कर रहा हूँ ना मेरी पूनम? ठीक से? अरे तुम तो खिलाड़ी हो गए हो, एकदम जबरदस्त किक मारी है तुमने। तभी अचानक पूनम के पेट में अजीब सी ऐठन उठती है। आह, विनोद ये देखकर घबरा जाता है। पूनम, पूनम तुम ठीक तो हो ना? अरे देखो तो, इसने लात मारी, मेरी बात सुनते ही इसने लात मारी। और पूनम विनोद का हाथ लेकर अपने पेट पर रख देती है। चलो बेटा, अब अपने डैडी को भी लात मार कर दिखाओ, डैडी को भी लात मार कर दिखाओ, डैडी को भी लात मार कर दिखाओ। और विनोद भी वह महसूस करके हंसता है और दोनों की हंसी गूंजती है। आप माँ बनने वाली हैं, कहाँ हैं इनके पिता? इसके पिता वो तो। और पूनम ये कहकर उदास हो जाती है। पूनम रवि के जाते ही एक फोन लगाती है। हाँ बेबी। सब गड़बड़ हो गया और अब और बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम बाप। इतनी बड़ी बात जिससे पूनम कह रही थी, वहाँ सामने फोन पर शर्मन नहीं बल्कि विनोद ही था। विनोद, तुम्हारी औलाद पेट में है मेरे। विनोद ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। पर पूनम, मेरी नौकरी चली गई है, यहाँ रहने को किराए का मकान है जिसका किराया भी 2 महीनों से बकाया है, ऐसी हालत में मैं तुम्हें और इस बच्चे को कैसे रखूंगा? पूनम एक बार तो विनोद के जवाब से गुस्सा करती है। अच्छा एक काम करो, तुम कुछ दिन जहाँ हो वहीं रुको, मैं आता हूँ। और पूनम बेचारी बनकर रवि के यहीं रहने लगती है। रवि विनोद को तो जानता था, मगर विनोद की वह नकचड़ी गर्लफ्रेंड और पूनम दोनों एक ही लड़की हैं यह नहीं जानता था। ना ही पूनम ही शर्मन की मंगेतर थी यह जानता था। एक ही औरत के और कितने चेहरे हो सकते हैं, ये आप सभी देख ही रहे हैं ना। भारी औरत की लीला, प्रेम करे तो इतना करे कि प्रेम से ही प्राण ले ले, और वार करे तो ऐसे करे जो कोई दुश्मन भी ना करे। ठीक ही कहा है किसी ने, रिश्ते जब फायदा उठाने की नियत पर आ जाते हैं तो वह आपको बर्बाद करना भी जानते हैं। फिर एक दिन फिर से पूनम के पास विनोद का फोन आता है। सॉरी पूनम, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो सका है, तो तुम कुछ दिन अपने माँ बाबा के घर चली जाओ, मैं वहाँ से तुम्हें लेने आता हूँ। और पूनम रवि से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसे धक्के मारकर निकाला गया था। और फिर पूनम करती है विनोद को फाइनल फोन। बस बहुत हुआ, मैं गरीबी क्यों देखूं जब मेरे पेट में पैसे कमाने की टिकट है तो। क्या मतलब? ये बच्चा तुम्हारा है या शर्मन का, ये बस तुम्हें और मुझे पता है। तो बिंगो, ये लगा जैकपॉट, मैं तो चली शर्मन के घर और अब होगा असली खेल शुरू। बड़ी ही शातिर हो तुम यार। तो देखा आपने कैसी कहानी शुरू होकर कैसे घूमकर वहीं आकर खड़ी हो गई है। देखिए इस भूल भलैया से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा पाएगी सीता। जानने के लिए देखते रहिए बालिका वधू केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।